और इसराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंचे। अमेरिका पहले ही इसराइल को पूरी तरह से मदद देने का ऐलान कर चुका है। मंगलवार को अमेरिकी जहाज हथियार लेकर इसराइल पहुंचे थे। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री का यह दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जंग में मदद का ऐलान अमेरिका कर चुका है, चाहे वो सैन्य मदद हो या राहत से जुड़ा मदद पहुंचाया जा रहा हो। और इस बीच आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री इसराइल पहुंच चुके हैं, और अभी भी चूंकि इसराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच ये जंग खत्म नहीं हुई है, ऐसे में उनका ये दौरा कई मायनों में अहम समझा जा रहा है। अमेरिका पहले ही खुलकर समर्थन कर चुका है और ये कह चुका है कि इसराइल को ये पूरा हक है कि अगर उस पर अटैक हुआ है तो वो भी पलटवार करे, और ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री इसराइल पहुंचे हैं। उधर इसराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंचे। अमेरिका पहले ही इसराइल को पूरी मदद करने का ऐलान कर चुका है और मंगलवार को अमेरिकी जहाज हथियार लेकर इसराइल पहुंचे। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ऐसे में ये जो मुलाकात है काफी अहम हो जाती है दौरा। उस बीच आपको बताएं कि यहाँ पर इस तेरून में 10 इजरायली पुलिसकर्मियों को हमास ने थाने में मार दिया। न्यूज 18 इंडिया की टीम उस इलाके में पहुंची, वहां की स्थिति कैसी है और लोगों में युद्ध को लेकर कितना डर है, आप जरा खुद से। गाजा पट्टी से महज 1 किलोमीटर की दूरी है इस जेरौद की, अगर जेरौद के बॉर्डर एरिया की बात करें, इसीलिए यहाँ हमास के लड़ाकों का आना आसान हुआ था। दर्जनों लोगों को यहाँ मारा गया, पुलिस के 10 जवानों को थाने पर कब्जा करके इजराइल पुलिस के 10 जवानों पर को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद इधर देख सकते हैं आर्मी के जवान, आपको इधर भी दिखेंगे, इधर करम दूसरी तरफ पीछे में हमारे आर्मी के जवान थे, करम जहां भी आर्मी के लोग दिखे उनकी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर जरूर दिखाएं। मोसे प्लीज ड्राइव स्लो। ओके, हमने अपने पायलट से रिक्वेस्ट किया है कि स्लो चलाएं। देखिए ये जगह जगह शेल्टर हैं, अभी भी अगर सायरन की आवाज बजेगी तो हम इस शेल्टर में जाकर अपने आप को बचाएंगे। बहुत मुश्किल से हम यहाँ आ पाए हैं, और ये तस्वीरें इधर देखिए, ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड। मोशे बता रहे हैं कि सारी दुकानें बंद हैं, कोई यहाँ सड़कों पे नहीं है। जो गाड़ियाँ दिख रही हैं वो मिलिट्री पुलिस हमारी गाड़ियाँ हैं, और आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। यहाँ हर घर में देखिएगा आर्मी और पुलिस के लोग, घरों के लोग अंदर हैं। हालांकि इसराइल के हर शहर का ये हाल है, लेकिन जेरौद शहर पे हमला हुआ था तो यहाँ की वीरानगी बहुत कुछ कह रही है अपने आप में। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर जेरौद का नाम आया है, जेरौद के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता था। आप रिपोर्टिंग में तेल अवीव का नाम सुनते थे, आप सुनते थे जेरूसलम का नाम, इसराइल के शहरों का हाइफा का नाम सुनते थे, और कई शहर एश्केलोन का नाम सुनते थे, अशडोड का नाम सुनते थे, रामाले का नाम सुनते थे, लेकिन इन जेरौद इतना बड़ा शहर नहीं था कि आप इसका नाम सुने। लेकिन हमास के लड़ाकों ने जिस तरह से हमला किया उसके बाद जेरौद तो सुर्खियों में आ गया है। आप मोशे प्लीज मूव ऑन, प्लीज आप चलते रहिए। ये देख सकते हैं मिलिट्री की गाड़ियां हैं, मिलिट्री के लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी, ये देख सकते हैं सारा। ऐसा लग रहा है कि इस शहर में लोग नहीं सेना रहती है, इस शहर में ऐसा लग रहा है कि इजराइल के नागरिक नहीं, यहाँ सिर्फ पुलिस और आर्मी रहते। देख सकते हैं किस तरह से सेना की गाड़ियां जो हैं यहाँ पहुंची हैं। यहीं थाने पर हमला हुआ था, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोशे आपको दिखा रहे हैं, आप करम आप रहिए, यू प्लीज स्टॉप। देख सकते हैं कितनी गाड़ियां यहाँ पहुंच रही है, आप मूव। ये थाना है, यहाँ के बारे में हम आपको बता चुके हैं। मूव दिस वे, यार देख रहे लगातार ये गाड़ियाँ जो हैं यहाँ कब्जा कर रखा है, क्योंकि जेरौद भी अभी निशाने पे है हमास के। लेकिन जो बार बार इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने बॉर्डर को सिक्योर कर लिया है, बॉर्डर यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, बॉर्डर को सिक्योर करने का मतलब यही होता है कि उन्होंने जो गाजा पट्टी के बगल के इसराइली शहर थे उन पर अपना दबदबा कायम कर लिया, जहां हमास के लड़ाकों का कब्जा था। हम शहर के दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया अपने कैमरे से आपको हर वो कहानी बता रहा है इजराइल के दक्षिणी भाग की। यस मूव दिस, आपको दक्षिणी भाग की जो कहानी बहुत कुछ कह रही है। इस बार कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इस बार इसे इसीलिए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर घोषित किया है। 9/11 से इसे तुलना किया है इजराइल ने, क्योंकि इतने बड़े
बड़े पैमाने पर 1200 से अधिक लोग इसराइल के मारे जा चुके, दूसरे देश के नागरिक भी मारे गए हैं, 800 से ज्यादा लोग हमास के अब तक मारे गए, सन्नाटा हर तरफ सन्नाटा। देखिए बीच बीच में सायरन बजता है तो हम भी थोड़े सहमे हुए रहते हैं। आगे जाना, ये ब्लॉक एरिया है, आगे नहीं जा सकते।